देवश्री लाल में फूल माता जी मंदिर के नीट नए चमत्कारों से हर कोई श्रद्धालु अचंभित है। इसी कड़ी में ग्राम आशापुर के ग्रामीण जन नवरात्रि पर्व पर देवी श्री लाल भाई फूलवा माता जी मंदिर पहुंचे और श्रीमती भूरीबाई पूनमचंद यादव ने बताया कि हमने ग्राम में मेरे निज मकान के पास माँ देवी श्री लाल भाई फूलवा माता जी मंदिर बनाया है और यहाँ की तरह हम भी 24 घंटे माता की अखंड ज्योत जलाएंगे। इसी के लिए हम माता की ज्योत लेने आए हैं और करीब 90 किलोमीटर स्थित ग्राम आशापुर पैदल ले जाएंगे। पंचमी पर माता की ज्योत की स्थापना कर भंडारा आयोजित करेंगे। इस बात पर मंदिर के पुजारी व समिति के पदाधिकारी अचंभित हो गए। मंदिर के पुजारी व भंडारा समिति के अध्यक्ष मुकेश पटेल ने पूछा कि आपको माँ लालबाई फूलवाई माताजी मंदिर बनाने का ख्याल कैसे आया, जिस पर श्रीमती भूरीबाई यादव ने बताया कि मैं लंबे समय से माता के दरबार में दर्शन के लिए आती थी। कुछ दिनों बाद माता जी मेरे सपने में आई व माता की सवारी आने लगी, जिससे मैंने माता के नाम ग्राम में गादी की स्थापना की और जो भी उस गादी पर श्रद्धालु आते थे उनके सारे दुख दर्द व मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी, जिससे मैंने व मेरे परिवार माँ लालबाई फूलवाई माता जी मंदिर निर्माण करने व अखंड ज्योत जलाने का निर्णय लिया, जिसमें ग्रामीण भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।